सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मोहनपुरी क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने दौरा किया। उन्होंने दंगा पीड़ितों की दुकानें जो लूटने के बाद आग के हवाले कर दी गई थी उन्हें हर संभव सहायता दिलवाने का आश्वासन किया। उनके साथ सांसद प्रतिनिधि राम नरेश पराशर ने भी इन दुकानों का दौरा किया। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। दोबारा बोलो। ये गोली का निशान है और ऊपर देखो पत्थर वहां तक फंसे हुए हैं। ये तो छत से सामने छत से आए हैं। इधर से आए हुए आग इधर गोली तो छत से ही आई होगी। देखो इधर से तो पत्थर आए हैं। इधर के जो पत्थर आए वो इधर पत्थर लगे हैं। ये तो इधर के आए हुए हैं। ये देखिए ये भी फट गई है। सारा मकान ही ध्वस्त हो गया। हाँ अच्छा जो इधर पत्थर आए हैं वो इधर से आए हैं। ये फ्रिज पे इसी पे लगा हुआ निशान और ये गोली इधर पार हो गई है। आपकी दुकान है ना? नहीं नहीं छोड़ दो। सोप नंबर दो ताकत के साथ जी हिंदू समाज के साथ इस बार भी खड़े रहे आगे भी खड़े रहेंगे। हिंदू समाज की रक्षा पूजा बन करके बजरंग दल अपने कर्तव्य का पालन करता है। किसी मंदिर को या कोई नुकसान पहुंचाने आए थे वहां सामने सीना तान करके उस नुकसान को होने से रोका। हमने सरकार से कहा है कि जिन्होंने दंगा शुरू किया और जिन्होंने अपने आत्मरक्षा के लिए प्रतिरोध किया उन दोनों को बराबरी पर नहीं रखा। जिन्होंने दंगा शुरू किया उनकी जांच होकर के उनको उचित दंड मिला। अच्छा यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई सहायता दिल्ली सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। यहाँ के सामने वाले जो हैं उन्होंने बताया कि उनका सर्वे हो गया। यहाँ हरिओम जी का भी सर्वे आज या कल में हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के लोग इस बात की निगरानी करेंगे कि जिनको सरकार की सहायता चाहिए वो सहायता जल्दी मिले और पूरी मिले। अरे सर ये जो रोड है ये लाइटें जो रोड है ये हमेशा बंदित रही है। जब भी दंगे हुए हैं यहाँ पे हमेशा दंगा सबसे ज़्यादा देखने को मिला। अभी 3 साल पहले को हत्या के लिए
सर आप विधानसभा में स्पीकर हैं, उस समय कानून पास हुआ था जो हत्या के लिए, कल निश्चित रूप से करवाऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे सांसद इस समय यहाँ आए नहीं है। सांसद जी इलाके में आए थे, कुछ जगह आ चुके हैं, कुछ जगह उन्हें आना है, आज या कल जरूर आएंगे। और इन लोगों की जो मेन समस्या है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो दिल्ली सरकार ने अभी तक इनका सर्वे नहीं किया है, दिल्ली सरकार ने अभी तक सर्वे नहीं किया है, इसी कारण मेरी डीएम से बात हुई थी शशि कौशल जी से, उन्होंने वायदा किया कि शाम तक ऐसी कोई दुकान नहीं रहेगी जिसका सर्वे नहीं हुआ हो और उस पर पूरी कार्रवाई होगी, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। आपकी क्या समस्या है मुखिया जी? मैं तो दंगाई में जला दी, हमें तो मुआवजा वो मिलना चाहिए। तो मुआवजा के लिए तो दिल्ली सरकार ने कहा है, तो सरकार क्या करके 5 लाख रुपए मुआवजा देगी, 25-25 लाख रुपए। अच्छा, तो आपका दुकान का सर्वे हो गया है? सर्वे हो गया है।